हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और मैं सब्जी बनाने के लिए कुछ निकाल रही थी, सब्जी देख रही थी कि क्या बनाऊँ मैं आज। तो मैंने देखा कि सब्जियां तो सारी ख़राब होने लगी हैं इस वाले बॉक्स में, क्योंकि लाइट नहीं थी और जो बर्फ़ होता है ना ऊपर का, वो बर्फ़ पिघला और वो सारा नीचे निकला है फ्रिज में और इसके इस बॉक्स के अंदर भी चला गया। तो इस वजह से ना इसमें सब्जियों में पूरी फंगस भी लग गई है और सब्जियां पूरी ख़राब हो गई हैं। तो मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी सारे काम, पहले मैं इन सब्जियों को काट के डिब्बे में बंद करके रख दूँगी, नहीं तो ये पूरी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से लाइट के कट लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, दो दो ढाई ढाई घंटे के। तो फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, फिर वो सारा गल के बर्फ़ जितनी होती है ना मेल्ट हो जाती है ऊपर की, और वो मेल्ट हो के फिर नीचे आती है तो ये सारा रैक भर जाता है फिर पानी से, तो इस वजह से फिर ये सब्जियाँ ख़राब हो गई। तो फंगस देखिए आप करेलों पर कैसी लगी हुई थी। तो काम मेरा निपट चुका है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ फटाफट से करेले की रेसिपी शेयर कर दूं, तो आप लोग भी बताइएगा आप किस तरीके से बनाते हैं। तो करेले मैंने लंबाई में काट दिए हैं, आप गोल भी काट सकते हो। और ये मैंने ऑयल गरम किया और ऑयल में मैंने करेले डाल दिए हैं। इस टाइप से जब हम करेले बनाते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आप करेले को छोड़ दो ऑयल में और आप अपने दूसरे काम तब तक निपटा लो, तो ईजिली बन जाते हैं, फिर लगता नहीं है कि इतना टाइम लगा है। तो देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये करेले, अब मैं निकाल दूंगी। इनमें थोड़ा सा क्रिस्प भी आ गया है तो इनको निकाल लेना है। ये मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो ऑयल थोड़ा कम कर दिया है मैंने। तो ऑयल में डाला है मैंने जीरा, अब डाला है मैंने प्याज। प्याज आप हल्का मतलब बारीक भी चॉप कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लंबा प्याज अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने फिर ये लंबा प्याज काटा है। और आप ना डीप फ्राई भी कर सकते हो, जैसे मतलब करेले निकालने के बाद आप प्याज भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने किया नहीं है ऐसा, मैंने ऐसे ही फ्राई किया है। तो गोल्डन ब्राउन हो गया है ये प्याज भी, तो ज़्यादा नहीं भुना है मैंने प्याज, हल्का कच्चा कच्चा सा रखा है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, तो अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें मसाले। मसाले में मैंने डाला है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, बस अभी मैंने यही मसाले डाले हैं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या मसाले और ऐड किए इसमें। तो ऑयल की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, क्योंकि मैंने पहले फ्राई कर रखे हैं करेले, तो इस वजह से जैसे कहीं बोला जाता है कि करेले जितने ज़्यादा तेल में पकते हैं उतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कम तेल में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। तो मसाले भी यहाँ पे भुन गए हैं, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है करेले, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो ढक्कन खोल के चेक किया मैंने तो ऑलमोस्ट पक गए हैं करेले। इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, और एक से दो चम्मच चीनी, आपके पास अगर गुड़ है तो आप गुड़ भी डाल सकते हो, तो क्योंकि इसका जो कड़वापन होता है फिर वो निकल जाता है, जैसे आपके बच्चे नहीं खाते हैं कई बारी कड़वे की वजह से, तो आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो सब खा लेंगे। इसमें ना फिर खट्टा मीठा सा टेक्सचर आ जाता है। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी सौंफ,
तो आपको बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे आप अचार खा रहे हो। तो बस अब थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी इसको। तो बस सब्जी रेडी है और आज का ब्लॉग मेरा यही था। मिलूंगी मैं आपको नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।